आप कौन सा कैम यूज करते हो एंड एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? एनी गर्लफ्रेंड? व्हाट इज योर इनकम ब्रो फ्रॉम यूट्यूब? सो ऑलराइट, सो हे व्हाट्सअप, दिस इज मी शेज भाई, वेलकम टू माय YouTube चैनल विद वन मोर न्यू वीडियो। ओके, सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि 4 दिन हो गए शेजू भाई को व्लॉग डाले हुए। ऐसे होती है व्लॉगिंग, नाम खराब करा रखा है व्लॉगर्स का। 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मतलब ऐसे करोगे व्लॉग ही नहीं डाल रहे 4 दिन से। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, इस बात को साइड रखते हैं। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर क्यू एंड ए वीडियो रखता हूँ। तो डूड, ये वही वाली वीडियो जो कि तुम लोग देख रहे हो। एंड आज की इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन जो पिक करे वो अपने इंस्टाग्राम से पिक करे, बिकॉज मैंने वहाँ पे एक स्टोरी डाली थी आस्क मी क्वेश्चन वाली। तो उस स्टोरी पर जो क्वेश्चन आए वो सारे आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वही, सो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्रो मुझे अपनी जॉलिन शार्प करनी है, वो कैसे करूँ? सो डूड, मैं इस चीज़ को लेके बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि मैं कोई एक नई ग्रूमिंग वीडियो करूँ, एंड मैंने बहुत टाइम से कोई ग्रूमिंग वीडियो नहीं करी इस चैनल पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे कोई ग्रूमिंग वीडियो करूँ, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस चैनल पे कोई ग्रूमिंग वीडियो करूँ तो तुम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दूसरी चीज़ ये कि वो जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जॉलिन शार्प कैसे करें। देखो डूड, जो मैंने यूज़ किया है अपनी जॉलिन शार्प करने के लिए, जैसे तुम लोग देख सकते हो, इस चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक तो जिम ज्वाइन करी थी। जिम से क्या होता है कि तुम्हारा जो फेट होता है, मतलब फेस का जो फेट होता है वो सब तुम्हारा कम हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ क्या, मैंने बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाई है, तो उस वजह से मेरी जॉलिन थोड़ी शार्प है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज योर इनकम ब्रो फ्रॉम यूट्यूब? तो डूड, मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब में एक्चुअली एक टेक्निकल चैनल लिए। फिर भी मैं तुम लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि यूट्यूब के लिए 2 कंडीशंस कंपलसरी हैं। फर्स्ट, तुम्हें 1K सब्सक्राइबर चाहिए, एंड सेकेंड, तुम्हें 4 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए। तो मैंने एक चीज़ तो कंप्लीट कर ली है जो कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हैं, एंड दूसरी चीज़ मुझे 4 आवर्स फर्स्ट टाइम अभी कंप्लीट करने हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अभी यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग व्लॉग्स, नॉट फॉर मनी। सो वही। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में कुछ, कॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, कॉज यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक की कंपैरिजन है कभी यूट्यूब से। और अगर बात करते हैं क्रिंज कंटेंट की, तो मेरे हिसाब से क्रिंज कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे फिर वो यूट्यूब हो चाहे फिर वो टिकटॉक हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग को यूट्यूब पे ही सर्च करके देखो कि गोरा कैसे हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग के सामने क्रिंज की लाइन खुल कर आ जाएगी, क्रिंज की लाइन। बस टिकटॉक की एक चीज़ बात अलग ये है कि वहाँ पे लाइक्स और फैम फ्री में बढ़ता है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम वहाँ पर कॉन्स्टेंट रहो तो तुम वहाँ पर बहुत आसानी से फेम और लाइक्स अचीव कर सकते हो। सो बस वही, बाकी मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ और नहीं बोलना चाहता, खत्म खत्म भाई खत्म। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो आपने मेरी 1K सब्सक्राइबर वाली वीडियो में मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उत्तराखंड। सो थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड 1K सब्सक्राइबर वाली वीडियो का सीन ऐसा है डूड के, बिकॉज मैंने उस वीडियो में सिर्फ कोई क्वेश्चन सिलेक्ट किया था जो कि मुझे लगा कि मुझे उन लोग का आंसर देने चाहिए, बट कोई नहीं, मैंने इस वीडियो में तुम्हारा आंसर दे दिया। सो आर यू हैप्पी? अपन भी हैप्पी है, बस बात खत्म, सारे पैसे खुशी के, खुशी कोई लड़की नहीं है, खुशी मतलब स्माइल, हैप्पीनेस। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो आप दानिश की कॉपी करते हो, ऐसा मुझे लगता है, बाय द वे आई एम योर बिग फैन। ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दानिश की कॉपी मैं नहीं करता, दानिश बाबा की कॉपी मैं नहीं करता, वो जहाँ भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। एंड दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच बिग फैन, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा भी फैंस होंगे। सो चाहने वाले कह सकते हैं आप, लेकिन फैंस नहीं, मैं नहीं मानता अपने किसी को फैन, सब भाई हैं अपने। सो भाई, तो दूसरी चीज़ ये कि मैं दानिश बाबा को फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, एंड उनके मैं ब्लॉग्स देखता हूँ। तो अगर तुम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, तुम्हारे आसपास भी ये चीज़ होती है कि अगर तुम किसी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तुम किसी के साथ बहुत टाइम से हो, तो तुम्हारे अंदर उसकी आदतें आने लगती हैं। एंड मैं दानिश बाबा को लास्ट
4 to 5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ एंड डूड मैंने उनके एक एक ब्लॉग को पता नहीं कितनी कितनी बार रिपीट करके देख चुका हूँ। तो वो जो मैं अपने ऑफ कैमरा भी मैं डूड एंड सो वही बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं दानिश बाबा की कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दूँ कि मैं अभी ब्लॉग्स बनाता हूँ तो मेरा जो इंट्रो है ऑल राइट सो है वो सब दिस इज निशेद खान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद वन मोर न्यू वीडियो। ये इंट्रो मेरा ब्रो जो मेरा भाई है छोटा भाई वो दिन में 10 से 12 बार बोलता है बिकॉज वो मेरे ब्लॉग्स देखता है एंड मैं उसके सामने जब ये इंट्रो पेश करता हूँ तो वो मेरे साथ रह रहे के मेरे इंट्रो को सीख गया। तो वो दिन में 10 से 11 बार मेरे इंट्रो को रिपीट करता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तुम लोग को देने के लिए। सो वही तो तुम लोग नहीं बोल सकते कि मैं दानिश बाबा की कॉपी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो मैंने आपकी 3 काम वाली वीडियो में देखा था कि आपने बोला कि आप 1K सब्सक्राइबर पे कुछ बताओगे जो आपने जीमेल बनाई थी उससे रिलेटेड जो कि हमारे लिए थी तो वो क्या चीज़ थी मुझे वो जानना है। सो ब्रो इस चीज़ के ऊपर पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा एंड उस चीज़ में मुझे तुम लोग को वो क्लियर करना है। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग दिस। सो वही एंड अब जो क्वेश्चन है वो ये है एनी गर्लफ्रेंड नो ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेजू। झूठ बोलूं तो शेजू का मतलब है प्यार फैलाना मोहब्बत फैलाना अच्छे इंसान और सच बोलूं तो मुझे नहीं पता क्या मतलब है ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो आप कौन सा कैम यूज़ करते हो एंड एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो ब्रो मैं कैम यूज़ करता हूँ 200D Mark II एंड विथ 3 लेंसेज 70-300 नहीं ये सीक्रेट लेंस है 18-55 इधर दुख का लो। और दूसरी चीज़ कि मैं एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ काइन मास्टर बंडल वर्जन। तो वही बाकी मैं अभी अपने लैपटॉप पे करने वाला हूँ एडिटिंग शुरू बट अभी मैं एडोबी प्रीमियर प्रो CS6 वर्जन सीख रहा हूँ। सो अगर किसी को भी एडोबी के बारे में कोई नॉलेज है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो 10,000 सब्सक्राइबर के बाद वो कौन सी बॉम्ब वीडियो आने वाली है। तो मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तभी बताऊंगा। सो वही वेटिंग में रहें आप लोग मतलब एक क्या होता है उसे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कायम रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर क्लियर स्किन। मैं मुँह धोता हूँ 2 बार दिन में सच बात है झूठ बात ये है कि नहीं धोता। बात करता हूँ ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर एंड आई लव योर लुक्स। बाय द वे एक सजेशन है वो ये कि आप बॉडी बना लें तो और ज़्यादा बेटर लगेंगे। सो थैंक यू सो मच ब्रदर और मैं आप लोग के लिए एक बात बहुत बोलना चाहूँगा वो ये कि आप नेक अच्छे ईमानदार और बहुत ही फायदेमंद सब्सक्राइबर हैं। सो वही तो दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जिम इस वजह से छोड़ दिया बिकॉज मेरे बैक में प्रॉब्लम हो गई थी दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग रेगुलरली। सो वही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद दोबारा स्टार्ट करूँ जिम और ऑफकोर्स मैं करूँगा वो बात नहीं क्या बोलता हूँ तकल्लुफ वाली बात नहीं है हम इंशाल्लाह करेंगे। सो भाई सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड मेरे को जितने क्वेश्चन पिक हो चुके हैं मैंने इंस्टाग्राम से वो करे एंड मैंने सबके आंसर तो नहीं दे सका बट जितने भी हो सके तो वो मैंने दिए एंड नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेटर करेंगे और ज़्यादा बूम करेंगे Q&A वाले में वीडियो में। सो भाई सो आई होप लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और बूम कंटेंट के साथ। जाने से पहले नया लैपटॉप आ गया है देख लें आप एक बार ज़रा। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्राइम लेंस है दोबारा दुपका हो जाए। शब्बा खैर।